राज्यसभा सांसद व पूर्व सपा नेता अमर सिंह के आरोपों का यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सधा हुआ जवाब दिया। किसी भी आरोप पर सीधे न बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा, मुद्दे से जनता का ध्यान भटकने की ताकत सिर्फ बीजेपी के पास है। गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी वायदों पर कोई बात नहीं हो रही है। देश का युवा परिवर्तन चाहता है, यूपी की जनता बदलाव चाहती है, किसान से लेकर व्यापारी परेशान है। आखिर इन मुद्दों से देश का ध्यान कब तक भटकाया जाएगा? अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 19 सितंबर से साइकिल यात्रा करने जा रही है, जिस एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज उतरा था उस पर नौजवान साइकिल चलाएंगे। उन्होंने कहा कि देश 2019 में नया पीएम चाहता है। आगे अखिलेश ने याद दिलाया कि हमने बच्चों को लैपटॉप बांटे थे, जब सरकार बनेगी तब बिना भेदभाव के लैपटॉप बांटे जाएंगे। हम सरकार को उसका वादा याद दिलाना चाहते हैं। एक बार हमारी सरकार में बटे लैपटॉप की सूची निकाल कर देख ले, बीजेपी से बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।